नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। खून की नदी, ये सुनकर आप थोड़ा हैरान हो गए होंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि खून की नदी बहती हो। जी हाँ दोस्तों, जो आप सोच रहे हैं और सुन रहे हैं वो बिल्कुल सच है। दरअसल ईस्ट अंटार्कटिका में ये नदी बहती है। ये नदी अंटार्कटिका के टेलर ग्लेशियर के बीच से निकलती हुई वेस्ट लेक बोनी में आती है। वहाँ से टेलर वैली में आते हुए, जो कि एमसी मुर्दो ड्राई वैली में आता है, फिर विक्टोरिया लैंड में बहती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये नदी लाल इसलिए है क्योंकि जिस ग्लेशियर से ये निकलती है वहाँ खारा पानी है और इसमें ज़्यादा मात्रा में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए ये नदी खून की तरह दिखती है, बिल्कुल लाल। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आई तो। तो ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट और सभी के जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।